बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग कर रहे थे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म और उसका कुछ होमवर्क दिया था आपको, जो कि अभी डिस्कस करते हैं। आपको बताना था इन सारे मॉलिक्यूल्स में क्या कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन था। और आपको देखने का तरीका बता रखा था। देखने का तरीका क्या था? सबसे पहले आपको देखना था कि क्या डाइहेड्रल एंगल इन मॉलिक्यूल्स में पॉसिबल है, तो सबसे पहली चीज आपको ये देखनी थी। उसके बाद सेकेंड चीज आपको देखनी थी, क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो नहीं है? क्यों? क्योंकि रोटेशन ही अगर रेस्ट्रिक्टेड हो गया तो एक कॉन्फॉर्मेशन से आप दूसरा कॉन्फॉर्मेशन बना नहीं पाएंगे, आप एटम को पकड़ के घुमा नहीं पाएंगे, जैसे अभी तक हम लोग लास्ट लेक्चर तक कर रहे थे। क्लियर? तो यहां पर देखते हैं, सबसे पहला स्ट्रक्चर है आपका H2O। H2O की बात करें तो H2O का स्ट्रक्चर क्या होता है? HOH। करेक्ट। आपको बता रखा है कि डाइहेड्रल एंगल कैसे देखेंगे, तो डाइहेड्रल एंगल का है ए बी सी डी। डी करके कोई एटम नहीं है, सिर्फ तीन ही एटम हो पा रहे हैं, ए बी और सी। दैट मीन्स एक ही प्लेन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डिफाइन होगा, दूसरा प्लेन डिफाइन ही नहीं होगा। दैट मीन्स H2O में डाइहेड्रल एंगल इज नॉट डिफाइंड। और जब डाइहेड्रल एंगल ही डिफाइन नहीं हो पा रहा है, तो क्या कॉन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म करेगा? नहीं करेगा। वेरी गुड, क्लियर है ये पॉइंट? H2O मॉलिक्यूल में डाइहेड्रल एंगल इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट आते हैं CH3NH2 में, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। CH3NH2 यहां पर लोन पेयर भी होता है। आपको क्या चेक करना है? सीधे सीधे चेक करना है क्या डाइहेड्रल एंगल पॉसिबल है। तो उसको चेक करने का तरीका है भाई, आप शुरू करें, मान लेते हैं इस हाइड्रोजन से शुरू करते हैं, ये ए हो गया, ये कार्बन बी हो गया, ये नाइट्रोजन सी हो गया, ये हाइड्रोजन डी हो गया। तो ए बी सी डी टाइप का बॉन्ड बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है इस मॉलिक्यूल में। दैट मीन्स आप दो प्लेन डिफाइन कर सकते हैं, एक एच सी और एन को यूज करके, एक सी एन और ये वाला एच को यूज करके। जब आप दो प्लेन डिफाइन कर सकते हैं, तो उन दोनों प्लेन के बीच में कुछ एंगल भी होगा, जिसको आप डायहेड्रल एंगल बोलेंगे। करेक्ट। दैट मीन्स डायहेड्रल एंगल आप यहां पे डिफाइन कर सकते हैं। अब बात आती है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की, क्या आप फ्रीली रोटेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आपको बता रखा है सिंगल बॉन्ड कहीं पर भी दिखे आपको, सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड के अलावा आप रोटेट कर सकते हैं, पकड़ के घुमा सकते हैं। दैट मींस यहां पे रोटेशन भी फ्री है। और यही दोनों कंडीशन आपको बताई थी कॉन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म के लिए। दैट मींस दिस विल शो कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कोई कंफ्यूजन नहीं? अब देखते हैं C2H4 का केस। C2H4 के केस में क्या था? ये स्ट्रक्चर हो गया C2H4 का। आप अगर ए बी सी डी टाइप स्ट्रक्चर देखें इसमें, तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। ए बी सी डी टाइप स्ट्रक्चर है इसमें, ए के बाद बी, बी के बाद कंटिन्यूअसली सी, सी के बाद कंटिन्यूअसली डी। ए बी सी डी टाइप स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स अगर आप चाहें तो डायहेड्रल एंगल डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे अगर पूछूं क्या यहां पे रोटेशन फ्री है या रेस्ट्रिक्टेड है, तो आप देखेंगे यहां पर क्या है, पाई बॉन्ड। और आपको पहले भी बताया था दो बॉन्ड रहेंगे तो हम रोटेशन नहीं कर पाएंगे, और जब रोटेशन नहीं कर पाएंगे तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, कॉन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म नहीं होगा। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू पाई बॉन्ड। क्लियर है? आपको दो ही केस बताए हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के, एक प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड और दूसरा केस ऑफ रिंग। राइट, लिखा है इसको मिटाते हैं।
पाई बॉन्ड के वजह से यहाँ पे हम रोटेट नहीं कर पाएंगे, एक आइटम को पकड़ के दूसरा आइटम हम घुमा नहीं पाएंगे, जिसके वजह से कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं C3H8 पे। अगर आप C3H8 का स्ट्रक्चर देखें तो क्या बनाएंगे, यही बनाएंगे C3H8। आप चेक कर रहे हैं यहां पे डायहेड्रल एंगल पॉसिबल है, तो मेरे हिसाब से तो यहां पे बहुत सारे डायहेड्रल एंगल पॉसिबल हो रहे हैं। इसको ए मान लीजिए, बी सी डी बिल्कुल हो रहा है। चलिए एक डायहेड्रल एंगल हो गया, दूसरा भी आप कर सकते हैं, सी यहां हो गया, डी नीचे ले आए तो भी डायहेड्रल एंगल हो गया। तो डायहेड्रल एंगल यहां पे पॉसिबल है, कौन सा है कौन सा नहीं है ये आप आराम से चेक कर सकते, वो डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर पे, आप किस चीज को ऑब्जर्व कर। पॉइंट अगेन भी कि क्या यहां पे डायहेड्रल एंगल पॉसिबल है, आप बोलेंगे हां सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि एबीसीडी टाइप स्ट्रक्चर है, तो डायहेड्रल एंगल यहां पे पॉसिबल हो गया। अब देखेंगे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो रिंग है नहीं, बाकी हर जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो आप पकड़ के आराम से घुमा सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड में सिलेंड्रिकल सिमेट्री होता है, वो आराम से पकड़ के घूम सकता है, ये चीज आपको पिछले क्लास में बताई थी। दैट मींस यहां पे रोटेशन इज फ्री, फ्री रोटेशन, क्लियर। और ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मींस ये चीज कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये भी कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा, C2H4 मेरा नहीं कर रहा था। अब नेक्स्ट देखेंगे साइक्लोहेक्सेन का केस। साइक्लोहेक्सेन का बहुत इंटरेस्टिंग केस है, जो कि हमें थोड़ा डिटेल में भी पढ़ना है। आपको वैसे पिछले क्लास में मैंने बता भी दिया था कि साइक्लोहेक्सेन के दो केसेस मिलेंगे आपको, चेयर फॉर्म बोर्ड फॉर्म। खैर अभी के लिए इसको देखते हैं हम अपने कंडीशन के हिसाब से। तो हमारा कंडीशन क्या था, डायहेड्रल एंगल डिफाइन होना चाहिए। तो अगर इसको देखें, बहुत सारे ऐसे हर कार्बन में दो दो हाइड्रोजन होंगे, आप चेक करें ए बी सी डी डायहेड्रल एंगल बिल्कुल बन रहा है। अब पॉइंट यह है उस डायहेड्रल एंगल के अलोंग रोटेशन पॉसिबल है, तो यहां पे बात आती है, आपको पहले बता रखा है रिंग में रोटेशन नहीं हो सकता है। आप रिंग में एक हाइड्रोजन को दूसरे हाइड्रोजन को घुमाने का कोशिश करें, नहीं घूमेगा, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है यहां पे। जब आप किसको कंसीडर कर रहे हैं, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन को कंसीडर कर रहे हैं, इस केस में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ रहा है। लेकिन वहीं पर आप दूसरा केस देखें, इसको ए बी सी डी मान लें, तो कार्बन कार्बन से कनेक्ट करके आपने डायहेड्रल एंगल बनाया, बिल्कुल बनाया, दैट मींस यहां पर भी डायहेड्रल एंगल पॉसिबल है, लेकिन यहां पे रोटेशन भी फ्री हो जाएगा। कैसे, आप इसको और इसको पकड़ के घुमाएं, इसको और इसको पकड़ के घुमाएं, बी आगे की तरफ आ सकता है, बी पीछे की तरफ जा सकता है, उसी तरह से इस पॉइंट को भी घुमाएंगे ऊपर नीचे जा सकता है, दैट मींस कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म यहां पे पॉसिबल है। आप सोचेंगे सर ये कैसे बोल रहे हैं आप, तो मान लीजिए ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन और ये छठा कार्बन, क्लियर। अब आप बोलेंगे सर मैं रोटेट कर रहा हूं, तो मैं यही बोल रहा था कि इन दोनों के बीच में रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इन दोनों को पकड़ के आपस में नहीं घुमा सकते, अगल बगल के कार्बन को पकड़ के नहीं घुमा सकते। लेकिन अगर मैं एक को चेंज कर दूं, इस कार्बन और इस कार्बन को पकड़ू, वन और थ्री पोजिशन, उसके बाद घुमाऊंगा, तो यह चीज घूम सकती है, घूम सकती है। आप देख रहे हैं जब ये घूम सकती है तो डायहेड्रल एंगल पॉसिबल हो रहा है, डायहेड्रल एंगल में चेंज पॉसिबल हो रहा है और फ्री रोटेशन भी हो रहा है, तो दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई कर रही है।
जब दोनों सेटिस्फाई कर रही है तो आप यहां पे क्या बोलेंगे, डाइहेड्रल एंगल यहां पे फॉर्म हो रहा है भाई, बिल्कुल हो रहा है, फ्री रोटेशन ये भी हो रहा है, दैट मींस कार्बन कार्बन के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ये भी कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर है पॉइंट, कोई कंफ्यूजन है? साइक्लोहेक्सेन के केस को हमें फिर से डिटेल में भी पढ़ना है, अभी के लिए बस इतना जान लेते हैं कि इसके दो फॉर्म होते हैं। कौन कौन से दो फॉर्म ये भी आप समझ लें, तो एक होता है चेयर फॉर्म, एक होता है बोर्ड फॉर्म, मेजर जो दो फॉर्म होते हैं, उसके अलावा भी फॉर्म्स मिलेंगे आपको। तो किस फॉर्म को हम चेयर फॉर्म बोलते हैं, किस फॉर्म को हम बोर्ड फॉर्म बोलते हैं, आपको पिछले क्लास में मैंने फोटो बनाकर दिखा दिया। चेयर फॉर्म क्या बनाया था, ये चेयर फॉर्म हो गया, ये बोर्ड फॉर्म हो गया था। अब आपको ये क्लियर हो रहा है आप कैसे घुमा रहे हैं, आपने क्या किया, इस कार्बन और इस कार्बन को पकड़ा और एटम को घुमाया, तो आपको इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर पे पहुंच गए, कोई दिक्कत? आप यहां पर देखना चाहते हैं तो यहां पर देख सकते हैं, ये साइक्लोहेक्सेन था करेक्ट, ये फॉर्म हो गया, तो देखिए बोर्ड जैसा दिख रहा है, यहां से उठा हुआ नीचे फिर ऊपर, करेक्ट। आप क्या करें, इसको ऊपर ही रहने दें और इन दोनों को पकड़ के उल्टे साइड घुमाएं, ये तो घूमना पॉसिबल है ना, उल्टे साइड घुमाएं तो आपको क्या मिलेगा, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। इस टाइप के स्ट्रक्चर को आप बोलेंगे चेयर फॉर्म, देखिए चेयर टाइप का दिख रहा है, इधर आधी चेयर टाइप का दिख रहा है, तो दिस इज योर चेयर फॉर्म, आप चाहे तो इससे रिलेट कर सकते हैं, दिस इज योर चेयर फॉर्म एंड दिस इज योर बोर्ड फॉर्म, कोई कंफ्यूजन इस चीज में? ये साइक्लोहेक्सेन वाला केस हमारे पास फिर से आएगा थोड़ा डिटेल में आज ही के क्लास में, अभी लेकिन हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, नोट करेंगे जल्दी से। तो बच्चों हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है एग्जांपल्स ऑफ कॉन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म, लिखेंगे कॉन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। सबसे पहला जो मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं वो आपका लेने जा रहा हूं इथेन का। इथेन क्या होता है, नॉमेनक्लेचर हमारा हो चुका है, इथेन क्या होता है ये आप सबको पता होगा, इथेन क्या होता है C2H6 करेक्ट। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो CHHH ये होगा, आप चेक करेंगे तो यहां पे ABCD टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, डायहेड्रल एंगल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड अकेला है, दैट मींस यहां पे फ्री रोटेशन भी होगी, यहां पे कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म 110% पॉसिबल होगी। अब इसको समझते हैं कि कैसी होगी, तो आप पहले तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मान लेते हैं ये पहला कार्बन हो गया H, 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 एक कार्बन पे तीन हाइड्रोजन, पीछे वाला कार्बन बना लेते हैं H, 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 ठीक है, कोई कंफ्यूजन इस चीज में? आप अगर देखेंगे तो इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन है, क्लियर? आप अगर यहां पे डाइहेड्रल एंगल डिफाइन करना चाहें तो मैं क्या कर रहा हूं, जो मार्क कर रहा हूं एटम उनसे मैं डाइहेड्रल एंगल बना रहा हूं, ये हाइड्रोजन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, तो ये वाला प्लेन बनेगा एक प्लेन। दूसरा मैं क्या कर रहा हूं, ये हाइड्रोजन यूज कर रहा हूं, ये कार्बन और ये कार्बन, तो ये वाला प्लेन बनेगा करेक्ट है। उन दोनों प्लेन के बीच में एंगल क्या होगा, जीरो डिग्री।
तो यहां पर आपको मान लेते हैं डायहेड्रल एंगल बराबर 0 डिग्री, जो कि हमारा दिख भी रहा है, हम जो डायहेड्रल एंगल चूज कर रहे हैं वहां वो यहां पर है 0 डिग्री। हमने प्लेन क्या क्या चूज किया है, एक हाइड्रोजन और उसके पीछे वाला हाइड्रोजन लिया है, बाकी दोनों कॉमन कार्बन है। क्लियर है, डायहेड्रल एंगल क्लियर है 0 डिग्री। अब इसको आप न्यूमैन प्रोजेक्शन में बनाएं तो आप ऑब्जर्वर को यहां पे बैठाएंगे, यहां से देखेगा तो उसको क्या दिखेगा, फ्रंट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन दिखेगा, करेक्ट, और पीछे वाले कार्बन पे एग्जैक्टली इस हाइड्रोजन के पीछे दूसरा हाइड्रोजन है, तो यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे दूसरा हाइड्रोजन, यहां पे तीसरा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, क्लियर। यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा डायहेड्रल एंगल क्या हो गया 0 डिग्री। इस फॉर्म को आप क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया, इस फॉर्म को हम बोलते हैं एक्लिप्स फॉर्म। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एक्लिप्स फॉर्म। अब आप क्या कर रहे हैं, इस कार्बन को पकड़ रहे हैं, इस कार्बन को पकड़ के इस एटम को रोटेट कर रहे हैं, कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के अलावा रोटेशन पॉसिबल है, तो आप इसको पकड़ के इसको रोटेट कर सकते हैं। चलिए करते हैं, पीछे वाले को रोटेट कर रहे हैं भाई 60 डिग्री से, तो आपको क्या मिल रहा है देखते हैं, नीचे वाला कार्बन तो जैसा का तैसा मिलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, पीछे वाला एटम देखेंगे 60 डिग्री से घुमा रहे हैं, तो ये भी 60 डिग्री इधर घूमेगा, ये भी 60 डिग्री इधर घूमेगा, तो ये हाइड्रोजन ऊपर साइड आ जाएगा, करेक्ट, ये हाइड्रोजन लेफ्ट साइड चला जाएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा, आएगा, अग्री कर रहे हैं सब कोई। अब आप क्या करें, यहां पर वही डायहेड्रल एंगल चेक करते हैं, तो एक तो आपका एंगल ये हो गया, डायहेड्रल एंगल में चेंज नहीं कर रहा हूं, मैंने क्या किया था, इस एटम को घुमाया था इधर, तो इस एटम के थ्रू मिलाकर मैं प्लेन बना ले रहा हूं, कुछ ये प्लेन बन जाएगा इसका, इन दोनों के बीच में एंगल देखेंगे कितना आ रहा है, तो 60 डिग्री आ रहा है भाई, जाहिर सी बात है आना भी चाहिए, मैंने इस एटम को पकड़ के घुमाया था, तो 60 डिग्री से एंगल रोटेट करेगा, करेगा, तो यहां पर डायहेड्रल एंगल कितना आ रहा था 0 डिग्री, यहां पर डायहेड्रल एंगल कितना आ रहा है 60 डिग्री। मैं उन्हीं दोनों प्लेन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं जो हमने सिलेक्ट किए थे मार्क्ड एटम के हिसाब से, क्लियर है। अब इसका न्यूमैन्स फॉर्म बनाएंगे, तो न्यूमैन्स फॉर्म क्या बनेगा, आगे वाले एटम को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आगे वाला एटम जैसा का तैसा बना लिए, पीछे वाले एटम पे चेंजेस आ सकते हैं, उसमें भी क्या चेंजेस आएंगे वो देखेंगे, तो इस कार्बन पे एक एटम ऊपर की तरफ है वो बना लिया आपने, एक लेफ्ट साइड है एक ये है, करेक्ट, और आप इसी एंगल को डायहेड्रल एंगल डिफाइन कर रहे हो, यही है आपका डायहेड्रल एंगल, कोई कंफ्यूजन। अब इस फॉर्म को आप कौन सा फॉर्म बोलते हो, स्टैगर्ड फॉर्म, तो आप देख रहे हो इथेन में कॉन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, पॉसिबल है तभी हम कर रहे हैं, हमने क्या किया, उस अपने हिसाब से डायहेड्रल एंगल डिफाइन किया, उसके बाद रोटेशन शुरू किया, रोटेशन किया तो आप इस स्ट्रक्चर से, इस स्ट्रक्चर से हमने शुरुआत करी थी, इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर में पहुंच गए, आप फर्दर रोटेट करें 60 डिग्री से वापस यहां पर पहुंच जाएंगे, फिर से रोटेट करें 60 डिग्री से वापस वहां पर पहुंच जाएंगे, कोशिश करके देख सकते हैं, राइट। तो ये जो हम काम कर रहे हैं, इस चीज को अगर जनरलाइज सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या आएगा, ये अभी आगे देखते हैं, इसको नोट कर लेंगे, अगर इस चीज को सिंप्लीफाई करें तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास इन जनरल दो ही फॉर्म आ रहे हैं, कौन कौन से दो फॉर्म, सबसे पहला हमने एक्लिप्स माना था, तो एक्लिप्स एक फॉर्म आ जाएगा आपके पास, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये आपका डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री आ गया,
एक्लिप्स फॉर्म, करेक्ट। आप इसको 60 डिग्री से रोटेट कर रहे थे तो आपको क्या मिल रहा था, फ्रंट वाले एटम को मैंने पकड़ा है, पीछे वाले को घुमा रहा हूं, तो मेरे को क्या मिल रहा है, इस टाइप का स्ट्रक्चर मिल रहा है जिसको हमने नाम दिया था स्टैगर्ड फॉर्म। यहां पे डायहेड्रल एंगल कितना आया था मेरा, 60 डिग्री। स्टैगर्ड फॉर्म। अब इन दोनों में आपसे पूछा, देखिए आप इसको वापस से रोटेट करेंगे 60 डिग्री से तो वापस से आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा, आप जितना भी घुमाना चाहे घुमा सकते हैं, आपको इस स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर आपको यही मिलता जाएगा, राइट। अब आपसे पूछा जा सकता है इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो स्टेबल वही होगा जिसमें स्ट्रेन कम होगा, करेक्ट। अब आप खुद से सोचें एक्लिप्स फॉर्म के बारे में, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एकदम पीछे पीछे है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करेगा, कितना हाइड्रोजन है ठीक है आई अग्री, बहुत छोटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा लेकिन है, एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो यहां पे क्या क्या प्रेजेंट होगा आपका, वैन डर वाल स्ट्रेन, और दूसरा ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एग्जैक्टली आमने सामने है, करेक्ट। बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन होगा, इसको आप क्या बोलेंगे, टॉर्शनल स्ट्रेन। दोनों के डेफिनेशन पिछले क्लास में हमने डिस्कस कर लिए थे, अगर आपको क्लियर है तो ठीक है, वरना एक बार आप पुराना लेक्चर फिर से रिव्यू कर सकते हैं। यही चीज यहां पर देखी जाए तो अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, बढ़ गया तो आप भी बोल सकते हैं नो वैन डर वाल स्ट्रेन, या स्टेरिक रिपल्शन नहीं होगा, वैन डर वाल स्ट्रेन का ही दूसरा नाम है, स्टेरिक रिपल्शन नहीं होगा, करेक्ट। होगा भी तो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। दूसरा आप देखें बॉन्ड पेयर के बीच में, तो ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर दोनों एक दूसरे से दूर हो गए तो टॉर्शनल स्ट्रेन भी घट गया, नेग्लिजिबल हो गया, तो यहां पे मान सकते हैं नो टॉर्शनल स्ट्रेन, करेक्ट। तो आप खुद से देखें यहां पे वैन डर वाल स्ट्रेन भी है थोड़ा बहुत, यहां पे टॉर्शनल स्ट्रेन भी है, अच्छा यहां पे ना ही वैन डर वाल स्ट्रेन है ना ही टॉर्शनल स्ट्रेन है। तो आपसे अगर स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो कौन ज्यादा स्टेबल आपको लग रहा है, ये या ये, जाहिर सी बात है ये ज्यादा स्टेबल है, ना वैन डर वाल स्ट्रेन है ना टॉर्शनल स्ट्रेन है, कोई स्ट्रेन नहीं प्रेजेंट हो, ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा एग्जिस्ट करना चाहेगा, करेक्ट। तो यहां पर आप बोल सकते हैं स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल एंड एक्लिप्स फॉर्म इज लेस स्टेबल। और इसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर हो जाए उसको हम क्यू फॉर्म बोलते हैं, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, जैसे 60 डिग्री से ना घुमा के मैं 45 डिग्री से ही घूमू तो कोई और स्ट्रक्चर मिलेगा, उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन भी काफी पास पास होंगे, मान लेते हैं यहां पर एक हाइड्रोजन आ जाता 45 डिग्री से घुमाने में, तो इस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस अब थोड़ा सा कम है, करेक्ट, रिपल्शन तो होगा, फिर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन थोड़ा बहुत रहेगा, तो स्क्यू फॉर्म कम स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल स्टैगर्ड, फिर स्क्यू फॉर्म, फिर एक्लिप्स फॉर्म। कोई कंफ्यूजन इस चीज में, क्लियर। तो इन जनरल अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, आप ये नोट कर लेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कंफॉर्मर, अगर आप स्टेबिलिटी ऑर्डर कंफॉर्मर का देखें तो आपको क्या मिल रहा है, स्टैगर्ड फॉर्म इज ग्रेटर देन, स्क्यू फॉर्म इज ग्रेटर देन
एक्लिप्स फॉर्म, इसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, इसकी मिनिमम स्टेबिलिटी, इसकी कहीं बीच में आएगी, अग्री कर रहे हैं। अब यही एनर्जी ऑर्डर लिखा जाए, जब एनर्जी ऑर्डर लिखा जाए तो आप क्या लिख देखेंगे, जो जितना ज्यादा स्टेबल उसकी उतनी कम एनर्जी, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो उसकी उतनी कम स्टेबल, उतनी कम एनर्जी, तो एनर्जी ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म लेस देन क्यू फॉर्म लेस देन एक्लिप्स फॉर्म। कोई कंफ्यूजन इस चीज में नहीं, इसको नोट करेंगे। तो जब आप पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी विथ डायहेड्रल एंगल, तो शुरुआत आपने कहां से किया था, एक्लिप्स फॉर्म से। एक्लिप्स फॉर्म लीस्ट स्टेबल मान लेते हैं, ऐसा कुछ एनर्जी प्रोफाइल होगा जिसकी लीस्ट स्टेबल उसका सबसे ज्यादा एनर्जी। फिर आपने 60 डिग्री से रोटेट किया, तो 60 डिग्री से रोटेट करके आप कहां पहुंचे, स्टैगर्ड फॉर्म पे। स्टैगर्ड फॉर्म मोस्ट स्टेबल, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां पे पहुंचे, कुछ ऐसा ग्राफ आया। फिर और घुमाए अगर 120 डिग्री से, 60 डिग्री के बाद 60 डिग्री और घुमा दिया, वापस से आप यहीं पे पहुंच गए, करेक्ट। फिर और 60 डिग्री से घुमा दिया, वापस आप यहीं पे पहुंच गए, और इस तरह से ही ग्राफ आपका चलता जाए, डिपेंडिंग ऑन योर डिग्री ऑफ रोटेशन, कितने डिग्री से आप डायहेड्रल एंगल चेंज कर रहे हैं। तो ये आपका एनर्जी डायग्राम हो गया इथेन का। कोई कंफ्यूजन, यहां पे जो हाईएस्ट एनर्जी वाला है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्लिप्स फॉर्म। जो लोएस्ट एनर्जी वाला है इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड फॉर्म। और जो बीच वाले हैं इनको हम बोलते हैं स्क्यू फॉर्म। स्क्यू फॉर्म की एनर्जी एक्लिप्स से कम होती है, एक्लिप्स से ज्यादा स्टेबल होते हैं स्क्यू फॉर्म, और स्टैगर्ड से ज्यादा एनर्जी होती है, स्टैगर्ड से कम स्टेबल होते हैं। तो ये था हमारा इथेन, इथेन का कॉन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। आई होप काफी हद तक क्लियर होगा आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इस चीज। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा होने वाला है ब्यूटेन का, मिटाते हैं। हम एन ब्यूटेन की बात कर रहे हैं, एन ब्यूटेन का मतलब CH3, CH2, CH2, CH3। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये एन ब्यूटेन हो गया। आप यहां पे बहुत सारे डायहेड्रल एंगल डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पे आपको दो तरह से बताऊं। पहला, मैं क्या करता हूं, एक हाइड्रोजन यहां पर ले लेता हूं, एक हाइड्रोजन यहां पे ले लेता हूं, ए बी सी डी, ठीक है। इसको अगर दिखाऊं मैं इसके हिसाब से तो आप क्या देखेंगे, एच एच एच, इस कार्बन, ये फ्रंट कार्बन है आपका, इसमें तीन हाइड्रोजन है, पीछे वाले कार्बन पे देखें
तो दो हाइड्रोजन हो जाएंगे और एक C2H5 हो जाएगा। तो दो हाइड्रोजन बना लेते हैं, दो हाइड्रोजन बना लेते हैं और C2H5 बना लेते हैं। करेक्ट, ये आपको कौन सा फॉर्म लग रहा है? एक्लिप्स फॉर्म। इस हाइड्रोजन के पीछे ये C2H5, इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन। डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री, एक्लिप्स फॉर्म। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, C2H5 को पकड़ के घुमा सकते हैं, इसको फिक्स कर दीजिए। C2H5 को पकड़ के घुमाइए, क्या मिलेगा आपको? मिलेगा ये, फ्रंट कार्बन में कोई चेंज होगा नहीं, तो फ्रंट कार्बन जैसा का तैसा आप बना लेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। रियर कार्बन की अगर बात करें आप, तो रियर कार्बन में क्या देखेंगे, एक हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा, नीचे वाला हाइड्रोजन लेफ्ट साइड चला जाएगा और ये C2H5 ऐसा हो जाएगा। अगर आप C2H5 को पकड़ के घुमाते हैं, कोई कंफ्यूजन? ये आपका कौन सा फॉर्म हो जाएगा? डायहेड्रल एंगल बराबर 60 डिग्री, इसको आप बोलेंगे स्टैगर्ड फॉर्म। क्लियर? इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे तो आप क्या देखेंगे, फ्रंट कार्बन तो बना लेते हैं H H H, बना लिया। रियर कार्बन बनाते हैं तो रियर कार्बन पे राइट साइड में C2H5 है। करेक्ट, तो ये आपका एक्लिप्स फॉर्म है, आपको बता चुके हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। इसका न्यूमैन बनाते हैं तो आप क्या देखेंगे, फ्रंट कार्बन तो जैसा है वैसा ही रहेगा, रियर कार्बन में, फ्रंट कार्बन में आप क्या देख रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन ऊपर हैं और एक हाइड्रोजन नीचे है। पीछे वाले कार्बन पे आप क्या देख रहे हैं, राइट साइड नीचे में C2H5 हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब आप वापस से देखेंगे तो यही चीज मिलेगी आपको, यहां पे वैन डर वाल्स स्ट्रेन अब और बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? C2H5 बड़ा हो गया, करेक्ट, हाइड्रोजन से रिपेल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में रिपल्शन हो रहा है, टॉर्शनल स्ट्रेन भी है क्योंकि आगे वाला बॉन्ड पेयर और पीछे वाला बॉन्ड पेयर आमने सामने, ठीक है। तो यहां पे स्ट्रेन बहुत हाई है, यहां पे वही देखें तो टॉर्शनल स्ट्रेन घट गया, बॉन्ड पेयर दूर हो गए, टॉर्शनल स्ट्रेन घट गया। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो वैन डर वाल्स स्ट्रेन के लिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड चाहिए वो भी काफी दूर हो गए, तो वैन डर वाल्स स्ट्रेन भी कम हो जाएगा। करेक्ट, दैट मींस इस केस में भी स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स फॉर्म। क्लियर? तो यहां पर भी आप क्या देख रहे हैं, स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स फॉर्म। क्लियर? ये कब का केस है, जब आप C1 और C2 के बीच में रोटेशन देख रहे हैं, ठीक है, बिटवीन C1 एंड C2। क्लियर है? इसी तरह से आप इसकी एनर्जी प्रोफाइल करेंगे, एनर्जी डायग्राम बनाएंगे, तो आपका क्या बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी और थीटा का। शुरुआत तो आप 0 डिग्री से किए थे, 0 डिग्री पे एक्लिप्स फॉर्म लिया था आपने, तो ये मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम स्टेबिलिटी, 60 डिग्री से रोटेट किया आपने तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिनिमम एनर्जी, फिर 60 डिग्री से रोटेट किया आपने, मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम स्टेबिलिटी, और इस तरह से ये ग्राफ आगे बढ़ता जाएगा। कोई कंफ्यूजन? आई होप नॉट। अब ब्यूटेन के नेक्स्ट केस में हम लोग एंटर करते हैं। ब्यूटेन का जो नेक्स्ट केस है आपका कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का, दैट इज बिटवीन सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन।
सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में अगर आप रोटेशन करते हैं तब कौन कौन से स्ट्रक्चर मिलते हैं और उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, तो पहले ये नोट करें, फिर हम लोग उस टॉपिक पर। अब हम लोग देखते हैं C2 और C3 के बीच में। C2 और C3 का मतलब क्या है, जैसे N-butane का स्ट्रक्चर हो गया CH3, CH2, CH2, CH3, तो ये आपका सेकेंड कार्बन, ये आपका थर्ड कार्बन। इन दोनों के बीच में अगर बॉन्ड को रोटेट करेंगे, इस सिग्मा बॉन्ड को अगर रोटेट करेंगे तब क्या क्या स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे और उनका स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना। तो चलिए करके देखते हैं, इस बार भी शुरुआत करते हैं हम लोग बिल्कुल इक्लिप्स फॉर्म से। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ये फॉर्म हो जाएगा अगर आप इसको कंपेयर करें तो। सबसे पहले कार्बन में जो ऊपर वाला CH3 दिख रहा है वो ये CH3 हो गया, फिर फ्रंट कार्बन, ये वाला फ्रंट कार्बन माना है मैंने, फिर उसके पीछे वाला कार्बन जो इससे दिखा रखा है मैंने सर्कल से, और उस पीछे वाले कार्बन पे ऊपर CH3 है। ये तो ये स्ट्रक्चर है आपका। मैं यहां पे डाइहेड्रल एंगल कैसे डिफाइन कर रहा हूं, तो इस कार्बन को ए माना है, इस कार्बन को बी माना है, इस कार्बन को सी माना है, तो ये एक प्लेन हो गया और इस कार्बन को डी मान लिया है। तो ए बी सी मिलाकर एक प्लेन, बी सी डी मिलाकर एक प्लेन। दैट मीन्स इस CST और इस CST आपस में जो एंगल बना रहे हैं हम उस एंगल को कंसिडर कर रहे हैं। यहां पर कितना एंगल बना रहे हैं, तो यहां पर देखिए CST के एग्जैक्टली पीछे है CST, दैट मीन्स दोनों के प्लेन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेमी प्लेन पर लगभग लगभग है। तो डायहेड्रल एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। इसको हम बोलते हैं फुल्ली एक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है, ये एक तरह का एक्लिप्स फॉर्म ही है, फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म। ठीक, अब आप क्या करें, आगे का कार्बन पकड़ें और पीछे वाले कार्बन को घुमाएं। जब आप पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री से घुमाएंगे तब आपको क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, आप पीछे वाले को घुमा रहे हैं, मतलब इस CH3 को पकड़ के 60 डिग्री से क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, आपको क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, फ्रंट वाला कार्बन तो जैसा का तैसा रह जाएगा, ऊपर CH3 नीचे H, इधर H, करेक्ट। आपने पीछे वाला CH3 को घुमाया था तो CH3 यहां पर आ गया, इधर एक H आ गया, इधर एक H आ गया, क्लियर है। ये आपका स्टैगर्ड फॉर्म है। इस स्पेसिफिक फॉर्म को हम बोलते हैं गॉश स्टैगर्ड फॉर्म। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब वापस से आप क्या करेंगे, पीछे वाले कार्बन को पकड़ के आप वापस से घुमाएंगे। जब आप वापस से घुमाएंगे तो आपको एक और एक्लिप्स फॉर्म मिलेगा। कैसा एक्लिप्स फॉर्म, आगे वाले कार्बन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और पीछे वाले कार्बन पे कुछ इस टाइप का हो जाएगा, CH3 के सामने हो जाएगा हाइड्रोजन। देखिए CH3 के सामने हाइड्रोजन, CH3 के सामने हाइड्रोजन हो गया, करेक्ट। ये भी आपका क्या है, एक्लिप्स फॉर्म है। इसको हम बोलते हैं पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म। अब यहां पर समझेंगे फुल्ली एक्लिप्स और पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म में डिफरेंस क्या है। जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल फॉर्म हो गया जिसमें सबसे ज्यादा वैंडरवाल स्ट्रेन आ रहा है, वैंडरवाल स्ट्रेन मतलब स्टेरिक रिपल्शन। तो देखिए CH3 CH3 दोनों बड़े ग्रुप, दोनों के बीच में आपस में रिपल्शन बहुत हाई होगा, वैंडरवाल स्ट्रेन बहुत हाई होगा, करेक्ट। तो बहुत ज्यादा इसको इक्लिप्स मानते हैं, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए इसको फुल्ली एक्लिप्स मतलब कंप्लीट एक्लिप्स। और यहां पर क्या है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम एक्लिप्स। कैसे,
सीएसटी के सामने हाइड्रोजन है, इक्लिप्स तो है लेकिन सीएसटी के सामने हाइड्रोजन है, वैंडरवॉल स्ट्रेन कंपैरेटिवली थोड़ा कम है। जब कंपैरेटिवली वैंडरवॉल स्ट्रेन थोड़ा कम है इसलिए इसको हम क्या बोले हैं, पार्शियल इक्लिप्स। कोई कंफ्यूजन? अब वापस से आप क्या करें, इसको 60 डिग्री से रोटेट करें पीछे वाले को पकड़ के। जो आप पीछे वाले को पकड़ के 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तब आप क्या देखेंगे, सीएसटी एच एच सीएसटी एच करेक्ट, दैट मीन्स दोनों सीएसटी बिल्कुल ही ऑपोजिट साइड आ रहे हैं, बिल्कुल ही ऑपोजिट साइड आ रहे हैं। ये सीएसटी है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ये सीएसटी है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी स्टैगर्ड फॉर्म या एंटी फॉर्म। क्लियर? अब इसके बाद वापस पीछे वाले कार्बन को आप इसको मिटा रहे एक बार, इसके बाद आप क्या करें, पीछे वाले कार्बन को वापस से आप रोटेट करें 60 डिग्री से तो आपको क्या मिलेगा, फ्रंट वाले कार्बन में कोई चेंज नहीं होगा। सीएसटी एच एच पीछे वाला जो कार्बन है वो एक सीएसटी के पीछे आ गया, करेक्ट। अब आप कंपेयर करिए कौन सा फॉर्म आ गया, आपको इस फॉर्म के बारे में हम बता रखें। देखिए एक्लिप्स फॉर्म है ये, करेक्ट। सीएसटी के पीछे कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे कौन है, सीएसटी। दैट मींस कंप्लीटली एक्लिप्स फॉर्म नहीं है, थोड़ा सा इसकी स्टेबिलिटी बच गई है। क्यों बच गई है, क्योंकि वैंडरवॉल स्ट्रेन कंपैरेटिवली लो है, करेक्ट। तो इसको आप क्या बोलेंगे, पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म, करेक्ट। अब आप वापस से क्या करें, पीछे वाले को घुमाएं 60 डिग्री से तो क्या मिलेगा आपको, आगे वाले कार्बन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसा का वैसा बना लें। पीछे वाले कार्बन पे देखेंगे तो सीएसटी एक इधर आ गया, हाइड्रोजन एक इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, करेक्ट। कोई कंफ्यूजन? इसको भी कंपेयर करें, स्टैगर्ड फॉर्म है ये, लेकिन किस टाइप का स्टैगर्ड, देखें एकदम यही चीज है, बस ऑपोजिट साइड में सीएसटी है पीछे वाला। तो इसको भी आप क्या बोलेंगे, वॉच स्टैगर्ड फॉर्म। कोई कंफ्यूजन? अब आप वापस से क्या करें, इसको रोटेट करके यहां पे ले जाएं तो आप वापस से सीएसटी के पीछे सीएसटी आ जाएगा और आप फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। तो इस टाइप का साइकिल चलता रहेगा, जितना आप रोटेट करते जाएंगे ये साइकिल चलता रहेगा। कोई कंफ्यूजन इस चीज में? मैंने क्या किया है एक बार फिर से समझेंगे, मैंने शुरुआत किया था फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म से। फुल्ली एक्लिप्स का मतलब क्या है, सीएसटी के पीछे सीएसटी है, करेक्ट। यहां पर सीएसटी के पीछे सीएसटी है, इसको फुल्ली एक्लिप्स माना है। क्यों? क्योंकि सबसे अनस्टेबल फॉर्म है, वैंडरवॉल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, क्लियर। अब आप क्या किए, आगे वाले को फिक्स रखा, पीछे वाले को 60 डिग्री से रोटेट कर देंगे। तो जो पहला 60 डिग्री से रोटेट किया तो पहला स्टैगर्ड फॉर्म मिला, जिसमें सीएसटी सीएसटी के बीच में दूरी घटा है लेकिन अभी भी काफी पास है, राइट। उसको हमने बोला है गॉज फॉर्म, गॉज स्टैगर्ड फॉर्म। उसके बाद हमने वापस क्या किया, आगे वाले को फिक्स किया, पीछे वाले को रोटेट किया, फिर से हमें क्या मिला, एक एक्लिप्स फॉर्म, करेक्ट। इस एक्लिप्स फॉर्म में अगर देखा जाए तो इस एक्लिप्स फॉर्म में आपका सीएसटी के सामने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज स्मॉलर ग्रुप देन सीएसटी, तो वैंडरवॉल स्ट्रेन कम आएगा, करेक्ट। तो ये पार्शियली एक्लिप्स हो गया। उसके बाद फिर से आपने सेम काम रिपीट किया तो आपको क्या मिल गया, एंटी फॉर्म, सीएसटी के बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में मिल गया सीएसटी, एंटी डायरेक्शन में मिल गया सीएसटी, ये आपका एंटी फॉर्म हो गया। और इस तरह से आप सारे स्ट्रक्चर रोटेट कर सकते, आप सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे से ला।
क्लियर है कैसे ये चीज चल रही है, कैसे ये साइकिल चल रहा है। वेरी गुड। तो अगर इसमें देखा जाए, इसमें हमें इन जनरल अगर स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं तो कौन कौन से मिल रहे हैं इस बारे में बात करते हैं। एक तो हमें फुल्ली इक्लिप्स मिल रहा है, एक बॉश मिल रहा है, एक पार्शियली इक्लिप्स मिल रहा है और एक एंटी स्टैबल मिल रहा है। ये पार्शियली इक्लिप्स तो रिपीट कर रहा है, ये बॉश भी रिपीट कर रहा है। तो बेसिकली हमें चार डिफरेंट कॉन्फर्मेशनल आइसोमर मिल रहे हैं मेजर स्केल, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा स्क्यू फॉर्म तो बहुत सारे होंगे, आपको बता रखा है। तो अब बात करते हैं सबकी स्टेबिलिटी के बारे में। चलिए आते हैं, ये नोट कर लेंगे, इसको मिटाया जाए। तो हमें मेजर स्केल पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मिल रहे थे? चार स्ट्रक्चर्स मिल रहे थे, CH3, उसके पीछे CH3, H, डायहेड्रल एंगल इसमें हमने बोला था 0 डिग्री आपको, करेक्ट, और इसको बोला था फुल्ली एक्लिप्स्ड, करेक्ट। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर जो आपके सामने आया वो आया कि कौन सा फॉर्म है, बहुत बढ़िया, स्टैगर्ड फॉर्म है। अब स्टैगर्ड में भी कौन सा, एंटी या गॉश? तो ये बिल्कुल गॉश है, क्योंकि एंटी में बिल्कुल ऑपोजिट आ जाता था, गॉश में काफी पास पास रहता है, तो ये गॉश फॉर्म होगा। 60 डिग्री से रोटेट करने पे आया है। फिर आप नेक्स्ट क्या करें, वापस से सेम काम करें तो आपको पार्शियली क्लिप फॉर्म मिलेगा, दिस इज योर पार्शियली इक्लिप्स्ड। फिर से आप क्या करें, यही काम करें, 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो आपको मिलेगा एंटी फॉर्म। फ्रंट वाली कार्बन में कोई फर्क नहीं, रियर कार्बन पे देखेंगे ये फॉर्म मिलेगा, इसको आप बोलेंगे एंटी। अब इनकी स्टेबिलिटी आपस में कंपेयर करनी है तो इस स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। सबसे पहले फुल्ली इक्लिप्स के बारे में बात करते हैं। फुल्ली इक्लिप्स के बारे में बात करेंगे तो वैंडरवॉल स्ट्रेन, जो कि ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहां पे CH3 CH3 काफी बड़े ग्रुप है, दोनों में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत हाई होगा, तो वैंडरवॉल स्ट्रेन वेरी हाई। उसके अलावा बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है, तो दैट मीन्स टॉर्शनल स्ट्रेन इज प्रेजेंट। कोई कंफ्यूजन? ये दोनों चीजें डिफाइन कर रही हैं आपकी फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म। अब आते हैं गॉश पे। गॉश में क्या देख रहे हैं, CH3 CH3 थोड़ा तो दूर गया है, दैट मीन्स वैंडरवॉल स्ट्रेन बस प्रेजेंट होगा, हाई नहीं बोल सकते क्योंकि अब CH3 CH3 काफी दूर चला गया, लेकिन वैंडरवॉल स्ट्रेन प्रेजेंट होगा क्योंकि CH3 CH3 अभी बहुत दूर भी नहीं गया, करेक्ट। लेकिन टॉर्शनल स्ट्रेन एब्सेंट होगा, क्यों? क्यों? क्योंकि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस जो पॉसिबल है वही चीज, करेक्ट, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड के बीच, करेक्ट। फिर पार्शियली क्लिप देखेंगे, तो पार्शियली क्लिप में भी देखेंगे वैंडरवॉल स्ट्रेन थोड़ा बहुत रहेगा क्योंकि CH3 और H आमने सामने है, H भले ही छोटा है लेकिन H इलेक्ट्रॉन क्लाउड का काम तो करता है, तो वैंडरवॉल स्ट्रेन प्रेजेंट होगा और यहां पे टॉर्शनल स्ट्रेन भी
प्रेजेंट होगा। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट आपका है एंटीफॉर्म। एंटीफॉर्म में देखें सीएसटी सीएसटी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट मींस इस सीएसटी का इलेक्ट्रॉन क्लाउड पीछे वाले सीएसटी के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं कर सकता। दैट मींस वैंडरवॉल स्ट्रेन इज एब्सेंट, करेक्ट। और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन देखें तो वो भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस पे है बॉन्ड्स, तो नो टॉर्शनल स्ट्रेन, करेक्ट। अब इसके हिसाब से आपको एनर्जी ऑर्डर या स्टेबिलिटी ऑर्डर डिफाइन करना है, तो कि कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं प्रेजेंट। जाहिर सी बात है एंटी, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर डिफाइन करेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो? एंटी। उसके बाद कंपेयर करी, कंपेयर करी, इसमें देखें वैन डर वाल्स स्ट्रेन भी था, टॉर्शनल स्ट्रेन भी था, इसमें वैन डर वाल्स स्ट्रेन भी था लेकिन टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं, और वैन डर वाल्स स्ट्रेन बहुत कम है इन दोनों, दैट मींस ये ज्यादा स्टेबल हो गया। आपको पहले भी बता रखा है स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स फॉर्म, उस हिसाब से भी देखा जाए तो ये ज्यादा स्टेबल है, करेक्ट। तो एंटी फॉर्म के बाद ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? गॉश फॉर्म। फिर एक्लिप्स में आ जाइए, पार्शियली इक्लिप्स और फुल्ली इक्लिप्स में ज्यादा स्टेबल कौन? जाहिर सी बात है पार्शियली इक्लिप्स, क्यों? क्योंकि वैन डर वाल्स स्ट्रेन बहुत कम हो गया, यहां पर वैन डर वाल्स स्ट्रेन बहुत हाई है, तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा पार्शियली एक्लिप्स्ड। उसके बाद आप देखेंगे स्टेबिलिटी तो फुल्ली एक्लिप्स्ड की है, दैट मींस फुल्ली एक्लिप्स्ड फॉर्म इज लीस्ट स्टेबल, करेक्ट। फुल्ली एक्लिप्स का मतलब क्लियर है, जब सीएससी और सीएससी दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली पीछे पीछे होंगे, क्लियर। तो ये चीज मेंशन करें, इसके बाद हम एनर्जी डायग्राम भी बनाते हैं, नोट कर लिया। तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर है और इसके हिसाब से हम एनर्जी ऑर्डर भी लिख सकते हैं। एनर्जी ऑर्डर क्या हो जाएगा आप खुद से सोचें, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी एनर्जी लीस्ट। तो एनर्जी ऑर्डर में एंटी फॉर्म की सबसे कम एनर्जी, फिर गॉश की, फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड की, फिर फुल्ली इक्लिप्स्ड की, ये आपका एनर्जी का ऑर्डर। अगर आप इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया, ये डायहेड्रल एंगल थीटा का ग्राफ हो गया। अब इसमें देखें चार अलग अलग फॉर्म है, तो चार अलग अलग लेवल की एनर्जी आएगी, वो बना लेते हैं एक बार। शुरुआत आपने किया था फुल्ली एक्लिप्स से, करेक्ट। फुल्ली एक्लिप्स से जब आपने 60 डिग्री घुमाया तो गॉश पे पहुंचे, करेक्ट। गॉश से आपने 60 डिग्री घुमाया, तो आप पार्शियली एक्लिप्स पे पहुंचे, फिर से आपने 60 डिग्री से घुमाया, तो वापस से आप कहां पहुंचे? पार्शियली इक्लिप्स के बाद दोनों सीएससी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में गए, करेक्ट। फिर 240 डिग्री पे आप देखेंगे तो वापस से आपको क्या मिल जाएगा? पार्शियली इक्लिप्स। फिर 300 डिग्री पे आप देखेंगे तो क्या मिल रहा है आपको?
गॉश, फिर आपको 360 डिग्री पे वापस से फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म मिल रहा है। तो ये आपका एनर्जी डायग्राम हो गया। ऊपर वाले जो दोनों हैं वो आपके इक्लिप्स फॉर्म दिखा रहे हैं। आपको पहले भी बताया था इक्लिप्स फॉर्म की एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी स्टैगर्ड फॉर्म से। नीचे वाले दोनों स्टैगर्ड फॉर्म दिखा रहे हैं। अब स्टैगर्ड फॉर्म में भी आपको देखना है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, एंटी फॉर्म। तो ये जो एनर्जी है ये दिखा रही है एंटी की। उसके बाद ये वाली जो एनर्जी है ये दिखा रही है आपकी गॉश की। यही चीज हमें पता भी चली थी जब हमने स्ट्रेन कंपैरिजन किया था, स्टेबिलिटी कंपेयर करी थी, उसके हिसाब से ये बना रहे। क्लियर? ऊपर देखेंगे तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होता है, फुल्ली एक्लिप्स्ड। और ये कौन सा हो जाएगा, पार्शियली एक्लिप्स्ड। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? तो ये आपका एनर्जी डायग्राम हो गया फॉर एन म्यूटेंट। अब इसी चीज को हम इन जनरल कुछ रूल्स बनाकर अप्लाई करेंगे, राइट? तो पहले ये नोट कर लें, एक बार नोट करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट में करके लिखेंगे जो आपको पहले ही बता रखा है उसके हिसाब से ये नोट बना रहे हैं। पहला पॉइंट, स्टैगर्ड फॉर्म इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स फॉर्म। ये चीज अभी हमने डिस्कस कर ली, स्टैगर्ड फॉर्म हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा इक्लिप्स फॉर्म के। क्यों? क्योंकि वैन डर वाल स्ट्रेन भी कम होता है, टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, एंटी फॉर्म इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन गॉश। गॉश फॉर्म से एंटी फॉर्म हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्ट केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का केस है तभी ये केस नहीं होगा, तभी आपका गॉश फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो पाएगा एंटी से। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी नहीं है तो आपका एंटी फॉर्म हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा गॉश फॉर्म से। क्यों? क्योंकि आपको वैन डर वाल स्ट्रेन एंटी में मिनिमम होता है। क्लियर है ये चीज? अब ये जो एक्सेप्ट वाली बात बोली है हमने, इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। पहले आप इस नोट को मेंशन करें, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स में नोट करेंगे। तो बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं केसेस व्हेन वॉश फॉर्म is more stable than antiform। आपको मैंने generalization बताया था कि antiform in general हमेशा ज्यादा stable होगा gauche form से, लेकिन कुछ cases हैं और cases आप आसानी से predict कर सकते हैं। इसमें मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं, case of hydrogen bond होगा। एग्जाम्पल, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का अगर आप केस देखें
ये इथाइलीन ग्लाइकोल का वर्स्ट फॉर्म हो गया, करेक्ट। OH और OH है तो स्टैगर्ड फॉर्म में, लेकिन दूरी अभी बड़ी नहीं है, करेक्ट। तो आप ये मान सकते हैं ये क्या है, वर्स्ट फॉर्म है। इसका अगर एंटी बनाए तो एंटी क्या होगा, OH OH ये एंटी फॉर्म होगा। तो अगर आप वैन डर वाल्स स्ट्रेन और टॉर्शनल स्ट्रेन के हिसाब से बात करेंगे तो एंटी फॉर्म को ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन यहां पे एक एडिशनल फैक्टर काम कर रहा है, एक इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। जिसकी वजह से गॉश फॉर्म इज मोर स्टेबल दैन एंटी फॉर्म। दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। कोई कंफ्यूजन इस चीज में नहीं। तो इथाइलीन ग्लाइकोल का केस क्लियर है। अब इसके अलावा एक और केस देख लेते हैं, चलिए इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट केस जो हम लोग लेते हैं, टू फ्लोरो एथेनॉल का ले लेते हैं। FH OH HH ये आपका टू फ्लोरो एथेनॉल हो गया, करेक्ट। और ये गॉश फॉर्म हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही इसका एंटी फॉर्म बना लेते हैं, FH OH HH। यहां पर भी अगर आप देखें ये एंटी फॉर्म है, यहां पर भी अगर आप देखें तो स्टीरिक रिपल्शन या वैन डर वाल्स स्ट्रेन के हिसाब से देखा जाए तो एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि है दोनों में दोनों स्टैगर्ड फॉर्म, दोनों में आपका टॉर्शन स्ट्रेन नहीं होगा, बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन नहीं होगा। लेकिन वैन डर वाल्स स्ट्रेन के अलावा एक यहां पर और काम कर रहा है, एक और फैक्टर काम कर रहा है, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ये। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से गॉश फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाता है एंटी फॉर्म। तो आप कोई भी केस देखें जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है, वहां पर आप क्या करें, एक बार दिमाग लगाए, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, कंडीशन सूटेबल है, ध्यान देंगे इस वर्ड को, कंडीशन सूटेबल है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो गॉश फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एंटी फॉर्म। कोई कंफ्यूजन? अब यही पॉइंट है, मैंने आपको एक वर्ड बताया कंडीशन सूटेबल, चलिए उसके बेसिस पे एक एग्जांपल करें। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट केस हम उठाते हैं ब्यूटेन 1,4 डाई ओएक एसिड का। इसमें अगर देखा जाए COOH HH COOH HH, यही है 1,4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड या ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। कोई कंफ्यूजन? दिस इज योर गॉश फॉर्म, ठीक है। अब इसका एंटी बना लेते हैं, तो COH बड़ा ग्रुप है, COH बड़ा ग्रुप है, दोनों के बीच में काफी रिपल्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, आप सही सोच रहे हैं। लेकिन यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है,
लेकिन यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी कब है, जब ये COH और ये भी COH के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तब है। मेरे बातों को बहुत ध्यान से समझेंगे, COOH और COOH को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, दैट मीन्स मीडियम हैज टू बी एसिडिक। अगर एसिडिक मीडियम है तो COH और COH एग्जिस्ट करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी बनेगी, गॉश फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन एंटीमोन। क्लियर? कोई कंफ्यूजन इश्यू नहीं। लेकिन यहीं पे अगर मैं कंडीशन चेंज कर देता हूं, मैं यहां पे बेसिक कंडीशन डाल देता हूं, तो आपको पता है एसिड है, अगर मैं बेस में डालूंगा क्या होगा, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेगा। अब एसिड और बेस रिएक्शन करेगा अगर, तो यहां से H प्लस, एसिड से H प्लस निकलेगा, करेक्ट? तो बनेगा क्या, ये COO माइनस, और ये भी क्या बनेगा, COO माइनस। अब हाइड्रोजन है ही नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, ऊपर से नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ गया है, तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, तो बेसिक मीडियम में गॉश फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो गया। आप सोच, पहले ये मेंशन करें, अगर एसिडिक मीडियम है तो गॉश फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म, ये चीज क्लियर है। इफ मीडियम इज बेसिकली, इफ मीडियम इज बेसिक, अगर बेसिक मीडियम है तो बेस क्या करेगा, एसिड से रिएक्ट, जब ये एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बचेगा, सीओ माइनस, ये भी क्या बचेगा, सीओ माइनस, यहां पर भी क्या बचेगा, सीओ माइनस, यहां पर भी क्या बचेगा, सीओ माइनस, करेक्ट? ये भी आपका ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड का केस है, लेकिन बेसिक मीडियम में। कोई कंफ्यूजन नहीं? अब यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता है, हाइड्रोजन है ही नहीं एसिड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब क्या है, ये पूरा बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गया, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। जब ये दोनों आपस में रिपल्शन करेंगे तो ये फॉर्म कम स्टेबल हो गया, दैट मींस एंटी फॉर्म इज मोर स्टेबल। तो ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड का केस है इन एसिडिक मीडियम, गॉश इज मोर स्टेबल देन एंटी, इन बेसिक मीडियम गॉश इज लेस स्टेबल देन एंटी। और आपको पहले ही बता रखा है स्टैगर्ड फॉर्म हमेशा इक्लिप्स से ज्यादा स्टेबल होगा, तो उस बारे में हम बात नहीं कर रहे। क्लियर है ये पूरा सीन, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, आप खुद से सोचें, आपको दो फॉर्म में दे रहा हूं, NH2H, this is your Gauss form, this is your anti form, correct? आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, और यहां पर भी दो अलग अलग केस में दे रहा हूं, पहला है एसिडिक मीडियम में और दूसरा आपको दे रहा हूं बेसिक मीडियम में। आप खुद से सोचें, खुद से दिमाग लगाएं। देखो ये तो आपको जीओसी से क्लियर है कि NH2 एक बेस का काम करता है, ये क्लियर है।
तो अब आपको बताना है खुद से सोच के कि कैसा रिएक्शन करेगा, क्या चेंजेस आएंगे इसमें, और उसके हिसाब से आप प्रेडिक्ट करेंगे एसिडिक मीडियम में कौन स्टेबल होगा ज्यादा और बेसिक मीडियम में कौन स्टेबल होगा ज्यादा। क्लियर है? तो ये आपका होमवर्क रहा, आराम से दिमाग लगाएं। देखिए छोटे छोटे कंसेप्ट आप ऐसे ही क्वेश्चन से सीखेंगे, ये क्वेश्चन बनाएंगे आपको काफी हद तक कॉन्फिडेंस आएगा। अगले क्लास में हम एक बार इसको डिस्कस कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं। क्लियर? फिर मिटाते हैं। आई होप अब आपको काफी हद तक क्लियर होगा कि स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है इक्लिप्स फॉर्म पे, ये इन जनरल हमेशा ही सही केस है। इसके अलावा स्टैगर्ड फॉर्म में भी दो फॉर्म होते हैं, एक होता है गॉश फॉर्म और दूसरा होता है एंटी फॉर्म। गॉश फॉर्म हमेशा ही कम स्टेबल होगा एंटी फॉर्म से, ये चीज भी है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का केस आ रहा है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का केस आ रहा है तो गॉश फॉर्म ज्यादा स्टेबल भी हो सकता है। वो केसेस आपको बता रखे, कंडीशन पे डिपेंड है। क्लियर? अगला एक छोटा सा टॉपिक हम करने जा रहे हैं, ऑर्डर ऑफ स्टीरिक रिपल्शन या वैंडरवॉल स्ट्रेन। अगर आप इसके ऑर्डर के बारे में बात करें तो ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है कि लोन पेयर का स्टेरिक रिपल्शन सबसे कम होता है, उसके बाद हाइड्रोजन का होता है, उसके बाद कोई भी अल्काइल ग्रुप का होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये चीज भी काफी हद तक आपके स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फॉर्मर को इफेक्ट करता है। कैसे करते हैं ये एक दो एग्जाम्पल में देखेंगे, अभी इसको नोट करें। तो बच्चों ये जो आपको ऑर्डर ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग स्टेरिक रिपल्शन बताया, ये उसका एक एग्जाम्पल आपके सामने है। आपको इसमें क्या करना है, इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में ज्यादा स्टेबल कौन है ये आपको कंपेयर करना है। तो आप देखेंगे दोनों स्टैगर्ड फॉर्म है, ये भी और वो भी। मेरे हिसाब से स्टैगर्ड फॉर्म देखना आ गया, ये भी स्टैगर्ड फॉर्म है वो भी स्टैगर्ड फॉर्म है, दैट मींस टॉर्शनल स्ट्रेन दोनों में जीरो, टॉर्शनल स्ट्रेन दोनों में नहीं है, है भी तो बराबर है। क्लियर? अब आपसे पूछा जाएगा ये दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करिए, तो आप क्या कंपेयर करेंगे, वैंडरवॉल स्ट्रेन। अब वैंडरवॉल स्ट्रेन देखना है तो आप सीएससी के हिसाब से जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसके हिसाब से देखेंगे, ज्यादा केस में है। तो इस स्ट्रक्चर में देखिए सीएससी के बाजू में हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, करेक्ट। यहां पर भी सीएससी के बाजू में देखिए हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ लोन पेयर है। अब आपको ऑर्डर आपके सामने दिया हुआ है, ऑर्डर क्या दिया हुआ है कि स्टेरिक रिपल्शन का जो ऑर्डर है लोन पेयर सबसे कम शो करता है स्टेरिक रिपल्शन, दैट मीन्स यहां पर स्टेरिक रिपल्शन कम है, लोन पेयर कम करता है स्टेरिक रिपल्शन कम हो गया, दैट मीन्स ये ज्यादा स्टेबल हो गया। क्यों? क्योंकि वैंडरवॉल स्ट्रेन कम है। वैंडरवॉल स्ट्रेन क्यों कम है? क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। कोई कंफ्यूजन? थोड़ी सी भी? तो ये था आपका स्टेरिक रिपल्शन के बेसिस पे भी कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं। लोन पेयर अगर दिया रहे और आपको स्टेबिलिटी ऑफ कंफर्मर निकालना रहे तो आप कैसे निकाल सकते हैं, इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहे हैं आपको घर पे करने के लिए। लेकिन ये क्वेश्चन ये मैंने ऑक्सीजन कर दिया इसको, ये आपके दो स्टैगर्ड फॉर्म है आपके सामने। स्ट्रक्चर क्या है? तो ये एथेनॉल है, CH3 CH2OH,
और आपको जो ये दे रखा है ह्यूमन फॉर्म, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दे रखा है। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होंगे, एक हाइड्रोजन होगा, जिस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर एक हाइड्रोजन दे रखा है, करेक्ट। तो आपको इस चीज से घबराना नहीं है, स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वही ह्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, बस आपको यहाँ पे बॉन्ड किसके किसके बीच में दे रखा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कोई कंफ्यूजन। तो आपको बताना है ये स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है, ये आपको होमवर्क रहेगा, आप अगले क्लास में इसको बना सकते। तो ये था बच्चों हमारा मेंस तक का सिलेबस, अभी एक बहुत छोटा सा टॉपिक लेकिन हम उसको काफी डिटेल में करेंगे, वो है साइक्लोहेक्सेन में कॉन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म, वो बचा हुआ है तो हम थोड़ा डिटेल में एक क्लास उसको लगाएंगे, आराम से धीरे धीरे से समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी अगले क्लास में बनाएंगे। तो अगला क्लास हमारा कॉन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म का आखिरी होगा, उसी क्लास में आपको जो भी बुक आप बना रहे हैं, कोई भी असाइनमेंट बना रहे हैं, किसी भी कोचिंग से बना रहे हैं, किसी भी कहीं से भी बना रहे हैं, आप आराम से इस टॉपिक के क्वेश्चंस उठा के बनाना शुरू करें। जब तक बनाएंगे नहीं बच्चों तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्वेश्चन को अभी के लिए बनाना जरूरी, क्लियर है। तो ये हमारा कॉन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म अगले क्लास में खत्म होगा, इसके आगे हम लोग एंटर करने जा रहे हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, और उसमें भी हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में एंटर करेंगे। तो बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स समझने के लिए आपको कुछ चीजें पढ़नी जरूरी है, पुरानी चीजें कुछ रिवाइज करनी जरूरी है, और वो टॉपिक होगा केमिकल बॉन्डिंग जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है। तो हर कोई थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लें, शेप क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होती है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, और कैसा 3D में मॉलिक्यूल दिखेगा, ये सारी चीजें हमने केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस कर रखी, थोड़ा बहुत अभी भी करेंगे, लेकिन आपको अगर पहले से आइडिया है इस चीज का तो हम लोग काफी आसानी से समझकर आगे बढ़ पाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू के आप केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन करें, आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। आपको दो होमवर्क दिए हैं आज, एक इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर कर रहे हैं इसमें और इसमें, और दूसरा इथेन 1,2-diamine था उसमें आपको एसिडिक और बेसिक मीडियम में पूछा था कि गॉश फॉर्म ज्यादा स्टेबल हुआ या एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल हुआ। तो दो ही क्वेश्चन है आपके लिए आज होमवर्क, लेकिन दोनों क्वेश्चन मजेदार है, आपको सोचना पड़े, तो सोचें और बताएं कि क्या आंसर सही है और आपने क्या सोचा। आपके लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।